सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग भारतीय दर्शन के प्रमुख दार्शनिक शंकर या शंकराचार्य के प्रमुख अवधारणा जगत विचार पर आज हम यहां विश्लेषण करेंगे। शंकर वेदांत दर्शन के एक प्रमुख दार्शनिक हैं और भारतीय दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और यहां तक कि बहुत दिनों तक जो भारतीय दर्शन था वो वेदांत दर्शन के रूप में ही जाना जाता था। और वेदांत दर्शन के सबसे प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य ही हैं, अद्वैत वेदांत के प्रणेता। अद्वैत वेदांत का दर्शन जो है वो इन्होंने ही स्थापित किया था, इसका मैंने बहुत विस्तार से व्याख्या किया है। आज हम देखेंगे कि शंकराचार्य का जगत विचार क्या है, यानी शंकराचार्य ने जगत यानी जो ये विश्व है या जगत है, यूनिवर्स है, इसको किस रूप में देखा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको और देखिए, एक दार्शनिक उस ढंग से नहीं सोचता है जिस ढंग से आम इंसान सोचता है। आम इंसान पैदा हुआ, काम करता है, खाता है, पीता है, सोता है, अपने सीमित लक्ष्यों को पूरा करता है। पूरे जगत की समस्या, पूरे विश्व की समस्या, पूरे यूनिवर्स की समस्या से उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक दार्शनिक ही है जो यह तय करता है, जो यह सोचता है कि वास्तव में यह जगत है क्या, हम आए कहां से, हमको किसने बनाया है, ये जगत चल कैसे रहा है, इस जगत का अंत कैसे होगा, कौन सी शक्तियां हैं जिसने जगत का निर्माण किया है, कौन सी शक्तियां हैं जिसने जड़ बनाया, कौन सी शक्तियां हैं जिसने चैतन्य बनाया। और इसी उधेड़ बुन में दार्शनिक अपना पूरा जीवन निकाल देता है। भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन के प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य ने, हमने इसके पहले ब्रह्म विचार के बारे में बताया था कि उन्होंने ब्रह्म की सत्ता को कैसे स्थापित किया, और उसी में आगे चलकर वो अद्वैत वेदांत कराया। आज हम देखेंगे कि शंकराचार्य ने जगत पर कैसे विचार किया, उनके संदर्भ में जगत है क्या, ये जगत सत्य है या असत्य है। मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता है। अद्वैत वेदांत का मतलब यह हुआ कि शंकर ब्रह्म को छोड़कर, ऑलमाइटी ब्रह्म, ऑलमाइटी जिसको हम ईश्वर बोलते हैं उनको शंकर ने ब्रह्म कहा है, शंकर ब्रह्म को छोड़कर किसी और सत्ता को सही नहीं मानते हैं। और उनका पहला जगत विचार यही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना पर, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव भी जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, परमार्थिक रूप से ब्रह्म ही है। जीव माने जब आत्मा शरीर के अंदर आ जाती है तो उसको जीव बोलते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जो जगत है ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना पर है, जो जीव है यानी आत्मा वो ब्रह्म से अलग नहीं है, वो ब्रह्म ही है। यानी आप ये समझ गए होंगे, भारतीय दर्शन के जो प्रमुख जो स्टूडेंट है वो ये समझ गए होंगे कि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या माना। अब शंकराचार्य जगत को मिथ्या मानकर सबसे पहले ये बताते हैं कि मिथ्यात्व का अर्थ क्या है। अगर वो जगत को मिथ्या कह रहे हैं तो सबसे पहले जाना जाए कि मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है, माने किसको मिथ्या कहा जाता है। उसके बाद शंकराचार्य जो है वो मिथ्यात्व के संबंध में तर्क देते, क्योंकि दर्शन तो तर्क से संबंधित है। तो सबसे पहले देखा जाए कि शंकराचार्य ने मिथ्या किसको कहा है, तो मिथ्यात्व का अर्थ सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने चार स्टेटमेंट दिए हैं, चार विचार दिया उन्होंने, चारों को उन्होंने मिथ्या बताया है। पहला है सद सद्विलक्षणत्वम, सद सद्विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम। सद सद्विलक्षण का मतलब हुआ सत और असत, सत और असत।
यानी जो सत और असत से भिन्न हो, सद 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 द्विलक्षण, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो सत और असत दोनों से भिन्न हो। भाई जो सत नहीं है या असत नहीं है, या तो कुछ सत होगा या तो असत होगा, और जो सत और असत से दोनों से भिन्न हो, सद सद द्विलक्षणत्वम का मतलब है सत और असत से विलक्षण, सत और असत से विलक्षण, विलक्षण माने भिन्न। तो क्या हुआ, सत सद द्विलक्षणत्वम मिथ्यात्वम, यानी जो सत और असत से भिन्न हो वो क्या कहलाता है, मिथ्या कहलाता है। नंबर टू, ज्ञान निवर्तत्वम मिथ्यात्वम, ज्ञान निवर्तत्वम मिथ्यात्वम, मिथ्यात्वम ज्ञान निवर्तत्वम मिथ्यात्वम, इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी सत्ता ज्ञान से बाधित होती हो, यानी अगर कोई चीज आप सोच रहे हैं कि भाई ये सही है, लेकिन आपको ज्ञान हो गया कि भाई ये तो गलत है, तो ज्ञान से जिसकी सत्ता बाधित होती हो उसको मिथ्या बोलते हैं। ज्ञान निवर्तत्वम मिथ्यात्म, यानी जिसकी सत्ता ज्ञान से बाधित होती हो या जिसकी सत्ता ज्ञान से समाप्त हो जाती हो। भाई आप कोई चीज सत्य कब मानते हैं, जब आपको ये ज्ञान है कि वो सत्य है, उसके बारे में पूरा प्रमाण है, लेकिन अगर उसके विरोध में आपको कोई प्रमाण मिल जाए कि अरे नहीं नहीं ये तो सत्य नहीं तो असत्य है, तो मिथ्या हो गया ना, मिथ्या हो गया। तो जिसकी सत्ता ज्ञान से निवृत्त होती हो, माने समाप्त होती हो, निवर्त होती हो, उसको क्या कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। नंबर थ्री, त्रिकाला बाध्यत्वम, त्रिकाला बाध्यत्वम मिथ्यात्वम, त्रिकाला बाध्यत्वम मिथ्यात्वम, त्रिकाला बाध्यत्वम लक्षणम सत, सॉरी त्रिकाला बाध्यत्वम लक्षणम सत। अच्छा, मिथ्यात्व का अर्थ बताते समय शंकराचार्य सत का भी लक्षण बताते हैं। शंकराचार्य कहते हैं ऐसी चीज जिसकी सत्ता तीनों काल में बाधित ना होती हो, भूत वर्तमान और भविष्य, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसकी सत्ता ना ही भूत में बाधित होती हो ज्ञान से, ना ही वर्तमान में बाधित होती हो और ना ही भविष्य में बाधित होती हो, वही सत्य है। त्रिकाला बाध्यत्वम लक्षणत्वम सत्व, यानी त्रिकाल में अबाधित जो सत्य वस्तु है उसी को सत्य कहा जाएगा। यानी एक तरफ तो मिथ्या का अर्थ बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो सत्य का भी अर्थ बता रहे हैं, और सत्य का अर्थ बताते समय वो क्या कर रहे हैं कि जिसकी सत्ता तीनों काल में अबाधित हो, बाधित नहीं अबाधित हो, उसको सत्य कहा जाता है। त्रिकाला बाधत्वम लक्षणम सत्य। और चौथा, सद विवेकत्वम मिथ्यात्वम, सद विवेकत्वम, सद विवेकत्वम मिथ्यात्वम, मिथ्यात्वम सद विवेकत्वम मिथ्यात्वम, यानी जो सत्य से भिन्न हो, भाई जो सत्य से भिन्न होगा अलग होगा वो गलत असत्य ही होगा, तो वही कह रहे हैं शंकराचार्य सद विवेकत्वम मिथ्यात्वम, यानी सत्य से जो विवेकत हो यानी भिन्न हो वही मिथ्या है। चार तर्क उन्होंने दिया है, और शंकराचार्य का कहना है इन चारों के आधार पर, इन चारों विशेषताओं के आधार पर जगत जो है वो मिथ्या है। उन्होंने चार विशेषताएं बताई मिथ्यात्व की, तीन विशेषताएं मिथ्यात्व की बताई और एक विशेषता सत्य की बताई। उन्होंने कहा इन चारों के आधार पर अगर जगत को कसौटी पर, चारों की कसौटी पर कसा जाए तो जगत क्या हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। शंकराचार्य का कहना है इन चारों दृष्टियों से, इन चारों कोटियों से, इन चारों की कसौटियों पर जगत क्या है, मिथ्या है। तो सबसे पहले तो उन्होंने मिथ्या का अर्थ बता दिया, मिथ्या का अर्थ बताया जो सत असत से विलक्षण है वो मिथ्या है, ज्ञान से जिसकी सत्ता बाधित होती हो वो मिथ्या है, तीनों कालों में जिसका ज्ञान अबाधित हो, त्रिकाला बाध्यत्वम लक्षणम सत्य, वो सत्य है,
और चौथा ज्ञान, चौथा सद्विविकर्तम, जो सत से भिन्न, जो सत से भिन्न वह सत्य ही होगा। शंकराचार्य का कहना है इन चारों दृष्टियों से जगत क्या है, मिथ्या है। शंकराचार्य यही नहीं रुक रहे हैं, पहले तो उन्होंने मिथ्या का अर्थ बताया, अब वो कह रहे हैं कि मिथ्या के संबंध में तर्क क्या क्या है। यानी अब वो जगत को मिथ्या तो सिद्ध करने के लिए जो उन्होंने तर्क दिया उसको जरा देखा जाए, क्या क्या तर्क उन्होंने दिया है जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए। पहले तो मिथ्या का अर्थ बताया कि मिथ्या किसको कहते हैं, चार अर्थ बता दिया, चारों के आधार पर जगत मिथ्या। ठीक, अब वो ये बताने जा रहे हैं कि इसके पीछे तर्क क्या है, जगत मिथ्या क्यों है। भाई यही तो दर्शन और आम भाषा में अंतर हो जाता है। जैसे आप अगर किसी विषय में जाएंगे तो वहां सीधे साधे उसका अर्थ लिख दिया जाता है, विशेषता बता दिया गया, नियम कानून बता दिया गया, लेकिन उसके पीछे कैसे और क्यों का उत्तर नहीं दिया जाता है। कैसे और क्यों ही तो तर्क है, और यही दर्शन शास्त्र का काम आता है। दर्शन जो है वो सत्य का बौद्धिक अन्वेषण है, वही तय करता है कि क्यों है। अगर जगत, आपने बता दिया कि मिथ्या की विशेषता क्या है, अब बताइए ना कि जगत मिथ्या क्यों है, तर्क दीजिए। तो शंकराचार्य जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के संदर्भ में तर्क, जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए वो तर्क दे रहे हैं शंकराचार्य। सबसे पहला है अनन्यत्व का दार्शनिक सिद्धांत, अनन्यत्व, अनन्यत्व का दार्शनिक सिद्धांत, अनन्यत्व का दार्शनिक सिद्धांत। अब प्रश्न ये उठता है कि अनन्यत्व का दार्शनिक सिद्धांत क्या है। देखिए शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म और जगत एक दूसरे से अनन्य है। अब आप बोलेंगे कि सर अनन्य का मतलब क्या होता है, अन्य माने नहीं, अन्य माने अलग, मतलब दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हैं। शंकराचार्य कहते हैं जगत और ब्रह्म एक दूसरे से अनन्य है, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जब एक दूसरे से अलग नहीं है तो उनको दो कहना अलग गलत बात, दोनों दो कहा है, दोनों अनन्य है, दोनों एक हैं। ब्रह्म अधिष्ठान है और जगत जो है उसका आभास है। ब्रह्म क्या है, अधिष्ठान है, माने अधिष्ठान माने जो वास्तविक होता है उसको अधिष्ठान बोलते हैं, और जगत उसका आभास है। लेकिन माया, माया जो है वो ब्रह्म और जगत की एकता पर पर्दा डालती है। अब शंकराचार्य ने यहां जगत के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए माया ला दिया है, माया ला दिया है। उन्होंने कहा भाई देखो जगत और ब्रह्म एक है, तो यह बात करना कि ब्रह्म के अलावा जगत है वो गलत है। तो प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्म के स्थान पर जगत कैसे दिख रहा है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं वो माया के कारण है। कैसे माया के कारण है, शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म और जगत की एकता पर माया जो है पर्दा डाल देती है, और माया के कारण ही ब्रह्म के स्थान पर नाना रूपात्मक जगत दिखाई देता है, नाना प्रकार का जगत दिखाई देता है। दिखना चाहिए था ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ही अधिष्ठान है, वास्तविक सत्ता है, और केवल एकमात्र उसी की सत्ता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल एकमात्र ब्रह्म की सत्ता, दूसरे की नहीं। तो जगत कैसे दिख रहा है, जीव आत्मा कैसे दिख रहा है, शंकराचार्य कह रहे बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है, है तो ब्रह्म ही। सर्व खलु इदम् ब्रह्मम्, सर्व खलु इदम् ब्रह्मम्, चारों ओर केवल ब्रह्म ही है, जो भी कुछ देख रहा हूं ब्रह्म है। प्रश्न उठता है कि तब जगत कैसे दिख रहा है, शंकराचार्य कह रहे हैं उसका कारण है माया। माया जो है वो ब्रह्म और जगत की एकता पर पर्दा डाल दे रही है।
अब ब्रह्म को ठग ले रही है। अब ब्रह्म के आधार पर नाना रूपात्मक जगत दिखा रही है, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म और जगत तो एक है, वास्तविकता रूप में ब्रह्म ही है, और अगर जगत दिख रहा तो मिथ्या है। पहला तर्क है ये माया, पहला तर्क है किसका, शंकराचार्य। नंबर टू, शंकराचार्य अगला जो तर्क दे रहे हैं वो सामान्यतो दृष्ट अनुमान के आधार पर, सामान्यतो दृष्ट अनुमान, सामान्यतो दृष्ट अनुमान के आधार पर। शंकर कह रहे हैं सामान्य रूप से भी दिख रहा है ये कि ब्रह्म और जगत, जगत जो मिथ्या है, कैसे जरा समझिए। शंकराचार्य एक तर्क देते हैं, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्नम, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्वात्, ब्रह्म भिन्नत्वात्, ब्रह्म भिन्नत्वात् सुक्ति रजतवत्, सुक्ति रजतवत्। शंकराचार्य सामान्यतो दृष्ट अनुमान में क्या कह रहे हैं, जो सामान्य रूप से दिख रहा है वो कहना है कि भाई ब्रह्म, ब्रह्मम भिन्नम सर्वम मिथ्या, यानी ब्रह्म से जो भी भिन्न है वो सब मिथ्या है। आप सोच लीजिए, स्ट्रांगली वो इस बात को मान रहे हैं, वो अलग से कुछ तर्क नहीं दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे दार्शनिक हैं जिन्होंने खुद मान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, और अहम ब्रह्मास्म के रूप में वो अपने ही तर्क देते चले जा रहे हैं। शंकराचार्य ने भी यही कहा है, हालांकि शंकराचार्य के बहुत सारे विरोधियों ने इस बात को नहीं माना है, स्वयं रामानुजा इसके बाद ही जो रामानुजाचार्य आए उन्होंने ही नहीं माना इस बात को। भाई अगर आप, अभी आगे तर्क दूंगा, पहले आलोचना नहीं, पहले मैं उनके विशेष कारण बता रहा हूं, आलोचना नहीं करूंगा अभी, आलोचना दर्शन शास्त्र में आलोचना जरूर है, बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले उनकी तर्क तो जान ले हम। शंकर कह रहे हैं ब्रह्म भिन्नम सर्वत मिथ्या, सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्वात् सुक्ति रजत्वत्, बिन ब्रह्म से भिन्न जो भी कुछ है वो सब मिथ्या है। ब्रह्म से भिन्नता उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सुक्ति को हम, सुक्ति माने सीपी नदी किनारे, उसको हम रजत समझ लेते हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं देखिए ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न सब कुछ मिथ्या है, और ब्रह्म से भिन्नता उसी प्रकार असत्य है या मिथ्या है जिस प्रकार सुक्ति सीपी को हम क्या समझ लेते हैं, रजत समझ लेते हैं, चांदी समझ लेते हैं, उसकी चमक से उसको समझते हैं जैसे वहां चांदी है, लेकिन असल में चांदी तो है नहीं, वो तो सीपी है, सुक्ति है। तो सुक्ति को जिस प्रकार से हम रजत समझ लेते हैं जो कि मिथ्या है, उसी प्रकार से ब्रह्म से भिन्न हर कुछ मिथ्या है। ब्रह्म ने कहा, शंकराचार्य ने कहा है कि जगत और सुक्ति रजत में दोनों में सादृश्यता है, दोनों एक समान है, जैसे जगत मिथ्या है वैसे सुक्ति रजत की प्रतीति भी मिथ्या है, जैसे सुक्ति रजत की प्रतीति मिथ्या है वैसे जगत का दिखाई देना भी एक प्रकार से मिथ्या है। यानी शंकराचार्य ने सामान्यतो दृष्ट अनुमान में जगत को सुक्ति रजत के समान प्रतीति माना है, प्रतीति को उन्होंने मिथ्या माना है, क्योंकि सुक्ति जो है वो रजत यानी चांदी नहीं हो सकता, ये तो मिथ्या है। उसी प्रकार ब्रह्म के स्थान पर अगर जगत दिख रहा हो भी मिथ्या। ये शंकराचार्य का दूसरा तर्क था सामान्यतो दृष्ट अनुमान पर, जिसमें उन्होंने सुक्ति रजत के समान मानकर उसको मिथ्या सिद्ध किया, ये उनका अपना तर्क है। नंबर थ्री, अध्यासवाद। अच्छा एक बात और है, शंकराचार्य अपने अध्यासवाद के लिए बहुत जाने जाते हैं, शंकर का अध्यासवाद, उनका पूरा दर्शन इसी अध्यासवाद पर है। अध्यासवाद, अध्यास का मतलब होता है जो वस्तु जहां नहीं है, जो वस्तु जहां नहीं है उसका वहां दिखाई देना अध्यास कहलाता है। जो वस्तु जहां नहीं है उसका वहां पर दिखाई देना,
क्या कहलाता है? अध्यास कहलाता है, ठीक है ना। कैसे? जैसे हम अंधेरे में रस्सी देखते हैं और रस्सी को भ्रमवश क्या समझ लेते हैं? सांप, ठीक है ना। अब वहां रस्सी है, सांप तो है नहीं, लेकिन उस रस्सी में क्या दिख रहा है? सांप दिख रहा है। यह अध्यास है, वहां सांप नहीं है लेकिन सांप दिख रहा है रस्सी में, तो भ्रमवश है। तो जो वस्तु जहां नहीं है उस वस्तु को वहां दिखाई देना क्या कहलाता है? अध्यास कहलाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार रस्सी में, अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं भ्रमवश, उसी प्रकार हमें ब्रह्म दिखना चाहिए था, ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म के स्थान पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? जगत। ब्रह्म के स्थान पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? जगत। तो जिस प्रकार रस्सी में सांप दिखाई देना अध्यास है, उसी प्रकार ब्रह्म के स्थान पर जगत दिखाई देना भी अध्यास है, क्योंकि वहां ब्रह्म है और दिख क्या रहा है? जगत। वहां रस्सी है और दिख क्या रहा है? सांप। वहां दिखना चाहिए था ब्रह्म, लेकिन उसके जगह क्या दिख रहा है? जगत। है तो जगत नहीं लेकिन जगत दिखाई दे रहा है। वहां दिखना चाहिए था रस्सी, दिखाई दे रहा है सांप। सांप तो है नहीं लेकिन दिख क्या रहा है? सांप। तो जो वस्तु जहां नहीं है, वहां सांप नहीं है, यहां जगत नहीं है, लेकिन वहां दिखाई देना, लेकिन वहां दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है? अध्यास। और इसी अध्यासवाद पर शंकराचार्य का पूरा दर्शन निर्भर। शंकर अपने अध्यासवाद की थ्योरी पर जगत की सत्ता, जीव की सत्ता सबको मिथ्या मान लेते हैं। और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त की जो उपनिषदि अवधारणा है उसको सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। और शंकराचार्य ने इसीलिए वेदांत उपनिषदों पर आधारित दर्शन ही वेदांत दर्शन कहला रहा है, ठीक है ना। अगला तर्क शंकराचार्य का है विवर्तवाद, चौथा है विवर्तवाद। अब विवर्त का मतलब क्या होता है? विवर्त का मतलब होता है एपियरेंस, आभास। शंकराचार्य कहते हैं कारण यदि सचमुच से कार्य में रूपांतरित हो जाए, कारण का सचमुच रूप से कार्य में रूपांतरित होना, जैसे दूध का दही में रूपांतरित होना परिणाम होता है, यानी दूध के परिवर्तन का परिणाम क्या है? दही है, ठीक है ना। दूध के परिवर्तन का परिणाम मक्खन है। शंकराचार्य कहते हैं कि कारण का सचमुच रूप से कार्य में परिवर्तित होना परिणाम कहलाता है, लेकिन सचमुच रूप से या बिना कारण का सचमुच कार्य में परिवर्तन हुए कार्य के रूप में दिखाई देना, यानी बिना सचमुच, यानी वास्तव में बिना परिवर्तित हुए ही अगर कारण कार्य के रूप में दिखाई दे रहा है तो इसको विवर्त बोलते हैं, आभास। तो मतलब क्या हुआ? जैसे हम अंधेरे में रस्सी को सर्प समझ ले रहे हैं, रस्सी को सर्प समझ ले रहे हैं, लेकिन रस्सी तो सर्प बदला नहीं लेकिन दिख रहा है, तो दैट इज अपियरेंस ओनली, माने उसका आभास हो रहा है, उसका प्रतीति हो रहा है, उसका विवर्त है। रस्सी सांप जो है वो क्या है? विवर्त है, आभास है, प्रतीति है, लेकिन इससे क्या रस्सी सांप में बदल गई? नहीं। उसी प्रकार ब्रह्म जगत में बदल नहीं रहा है, ब्रह्म जगत के रूप में केवल प्रतीत हो रहा है, उसका केवल आभास हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि ब्रह्म जगत के रूप में बदल गया। जैसे रस्सी अगर सांप के रूप में दिखाई दे रही है लेकिन इससे रस्सी सांप में बदल नहीं जा रही, उसी प्रकार ब्रह्म के स्थान पर जगत दिखाई दे रहा है, जगत प्रतीत हो रहा है, जगत का आभास हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जगत जो है वो परिणाम है ब्रह्म का,
जगत जो है ब्रह्म का परिणाम नहीं है, जगत जो है वो ब्रह्म का विवर्त है, आभास है। लेकिन इससे ये नहीं कहेंगे कि जगत जो है ब्रह्म में परिवर्तित हो गया, वो प्रतीत हो रहा है। अब आप देखिए कि शंकराचार्य का दर्शन कैसा है। इस चराचर जगत को जिसमें समस्त प्रपंच घटित हो रहे हैं, शंकराचार्य ने कितनी आसानी से उस जगत प्रपंच को प्रतीति एपीरेंस वाली घोषित कर दिया, उसको आभास घोषित कर दिया, उसको मिथ्या घोषित कर दिया। यह सोच साधारण तो हो नहीं सकती है, यह सोच साधारण नहीं है। आप इसको देखिए, इसको समझने का प्रयत्न करिए। और दर्शन शास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी जिसको आईएएस में लिखना है, वो जब तक अवधारणा विकसित नहीं करेगा जैसा मैं बता रहा हूं, वो लिख नहीं पाएगा। शंकराचार्य के इस दर्शन को आत्मसात करना पड़ेगा। और एक शंकर का जगत विचार बहुत इंपॉर्टेंट है आईएएस में, बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन शास्त्र में। समझ लीजिए एक बार बार कॉन्सेप्ट को। तो विवर्त का मतलब होता आभास। अगर कोई सचमुच कोई बदल जाए तो उसको परिणाम बोलते हैं, लेकिन सचमुच रूप से ना बदले तब भी वो दिखाई दे उसी रूप में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विवर्त। ब्रह्म जगत के रूप में बदल नहीं रहा है, लेकिन बिना बदले जगत के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, विवर्त। यह जगत जो है वो ब्रह्म का विवर्त है, आभास है, अपीयरेंस वाली है। इस आधार पर शंकर जो है वो जगत को मिथ्या सिद्ध करते हैं। पांचवा तर्क जगत शंकराचार्य ने दिया है, सत और असत की कसौटी पर उन्होंने कसा है। सत और असत, शंकराचार्य कहते हैं कि जगत सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से इसकी सत्ता बाधित होती है। भाई कोई चीज अगर ब्रह्म ज्ञान से बाधित होती हो, यानी ज्ञान से बाधित होती हो, तो जाहिर सी बात है उसकी सत्ता सत्य नहीं। ये मेरे हाथ में मार्कर है, और अगर कोई ऐसा ज्ञान आ जाए जो ये सिद्ध कर दे कि ये मार्कर नहीं है, तो फिर ये तो असत्य हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान से जिसकी सत्ता बाधित होती है वो सत्य नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि जगत जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से इसकी सत्ता बाधित होती है। जगत को हम असत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका हमको अनुभव होता है। भाई हम लोग इस समय चराचर जगत में ही तो हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये चराचर जगत में ही पढ़ा रहा हूं, तो इसको हम पूर्णतः असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका हमको अनुभव हो रहा है। यानी जगत जो है सत और असत से विलक्षण है, यानी भिन्न है। तो जो सत और असत से विलक्षण होता है उसको क्या बोलते हैं, मिथ्या। ना वो सत की कोटि में है, ना ही वो असत की कोटि में है, तो भैया किस कोटि में, मिथ्या की कोटि में। यानी शंकर जो है वो सत और असत की कसौटी पर कसकर, ठीक है, जगत को उन्होंने मिथ्या सिद्ध किया। ये तो हो गया शंकराचार्य के तर्क जगत को मिथ्या सिद्ध करने। लेकिन शंकराचार्य के यानी अद्वैत वेदांत के एक भाष्यकार हुए हैं स्वामी विद्यारण्य। तो स्वामी विद्यारण्य ने अपने ग्रंथ पंचदशी में, अद्वैत वेदांत के भाष्यकार हुए हैं स्वामी विद्यारण्य, उन्होंने अपने ग्रंथ पंचदशी में जगत का बड़ा अच्छा वर्णन किया है जगत के बारे में। तो शंकराचार्य का जब दर्शन पढ़ा जाता है जगत विचार, तो उसको भी जाना जाता है, क्योंकि वो भी एग्जाम में लिखा जाता है, बहुत अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो स्वामी विद्यारण्य ने पंचदशी में जगत के बारे में बड़ा सटीक वर्णन किया। पहला उन्होंने कहा है कि जगत जो है वो परमार्थिक रूप से असत्य है। जगत परमार्थिक रूप से असत्य है। कौन कहते हैं, स्वामी विद्यारण्य। इस स्वामी विद्यारण्य कौन थे, स्वामी विद्यारण्य जो है वो अद्वैत वेदांत के भाष्यकार थे, भाष्यकार में उसका व्याख्या करने वाले। इन्होंने अद्वैत वेदांत का क्या किया, व्याख्या किया है। तो उन्होंने पंचदशी में क्या किया है,
उन्होंने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? इस जगत का। तो पहला वो बता रहे हैं कि जगत जो परमार्थिक रूप से माने दैवी रूप से, इस लोक से संबंध नहीं, परमार्थिक माने ऊपर, परा जगत। तो परा जगत के आधार पर जगत तो अपने आप मिथ्या हो जाएगा। अगर आप परलोक के आधार पर इस जगत को देख रहे हैं परमार्थिक रूप से, तो मिथ्या हो गया। दूसरा, जगत व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सत है। जाहिर सी बात है, हम लोग इस समय जगत व्यवहारिक रूप से जगत में रह रहे हैं ना, तो सत्य तो है। तभी तो जगत परमार्थिक रूप से परलोक के आधार पर तो यह सत हो गया। जगत व्यवहारिक रूप से सत है और जगत तार्किक रूप से अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का मतलब क्या हो गया? जिसकी व्याख्या नहीं हो सकता। अनिर्वचनीय तार्किक रूप से, अगर आप तर्क देंगे व्याख्या नहीं हो पाए, कौन व्याख्या हो पाएगा? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, माला फेरत जुग बीता गया न मन का फेर। भाई इस जगत प्रपंच की व्याख्या तार्किक आधार पर जिसने भी किया, करने का प्रयत्न किया, वो डूबता चला गया लेकिन व्याख्या नहीं हो पाया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, याद रहे कथा, वही शंकराचार्य भी, वही पंचदशी में स्वामी विद्यारण्य भी यही बात कहना चाहते। इस प्रकार शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या सिद्ध किया और श्रुति कथनों से, जिसमें कहा गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसके आधार पर उन्होंने उसके सामंजस्य स्थापित किया। अब दर्शन शास्त्र में कंपेरेटिव स्टडी भी बहुत जरूरी होता है। पाश्चात्य विचारक ब्रैडले ने शंकर के समान ही जगत को आभास माना, यानी उन्होंने भी जगत को असत माना है, ठीक है ना, ब्रह्म का आभास माना है। तो शंकराचार्य और ब्रैडले का, पाश्चात्य विचारक ब्रैडले दोनों का दर्शन पर जगत को एक ही स्थान पर रखा गया है, आभास माना गया है। तो ब्रैडले ने भी शंकराचार्य के समान ही जगत को ब्रह्म का आभास माना है, अपियरेंस वल्ली माना है, प्रतीति। इसके बाद शंकराचार्य जो है वो बौद्ध दर्शन के समान जगत को अनित्य और असत्य मानते हैं। शंकराचार्य जो है बौद्ध दर्शन के समान जगत को असत्य और अनित्य मानते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन में भी जगत को अनित्य माने जो नित्य ना हो, माने जो अविनाशी ना हो, अनित्य और क्या माना गया, असत्य माना गया बौद्ध दर्शन में। उसी प्रकार शंकर ने भी असत्य और अनित्य माना है। तो लोग मानते हैं कि शंकराचार्य एक प्रकार से प्रच्छन्न बौद्ध हैं, भले दिखावटी में वेदांत दर्शन के वैज्ञानिक दार्शनिक बन रहे हैं, लेकिन असल में तो छुपे हुए बौद्ध हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने जगत को अनित्य और असत्य मानने के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा है, ठीक है ना। तो ये शंकराचार्य का कंपेरेटिव स्टडी मैंने बता दिया बौद्ध दर्शन से और ब्रैडले से, ये दोनों एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी। अब शंकराचार्य की आलोचना करके जरा देख लिया जाए। प्रोफेसर केयर्ड कहते हैं कि शंकर ने जगत को सत्य नहीं माना है, जिसके कारण उन्होंने अविश्ववाद की थ्योरी दी। अविश्ववाद माने विश्व कुछ है या नहीं है, यानी शंकराचार्य की यह अवधारणा अविश्ववाद की ओर लेके चलती है। स्वयं रामानुज जो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक हैं, उन्होंने यह माना है कि शंकर का यह विचार मात्र उनकी कल्पना मात्र है, उनके मस्तिष्क की कल्पना मात्र है जो विचार ये दे रहे हैं, रामानुज कह रहे हैं। रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन के संस्थापक थे, उन्होंने कहा शंकर का यह विचार जो है वो उनके मस्तिष्क की कल्पना मात्र है और उपनिषद वाय होने के कारण वो मान्य नहीं। अगली आलोचना यह है कि शंकर अगर जगत को असत्य कहते हैं, तो असत्य कहने के कारण जो जगत की व्याख्या करने के लिए इतने सारे दर्शन पैदा हुए हैं,
तो जगत की व्याख्या का समस्या ही समाप्त हो गया भाई। अगर जगत असत्य है, मिथ्या है, तो फिर जगत की व्याख्या करने के लिए हजारों सैकड़ों वैज्ञानिक लगे हैं, सैकड़ों दार्शनिक लगे हैं, साइंस है, समस्त सारी विषय है, बड़े बड़े ज्ञानी मानी लोग लगे हुए हैं, हजारों वर्ष की तपस्या कर रहे हैं, सब बेकार है। शंकर द्वारा जगत को मिथ्या कहना जगत की व्याख्या करने की समस्या को ही समाप्त कर देता है। यह अगली आलोचना है। अगली आलोचना यह कहता है कि अगर शंकराचार्य जगत को मिथ्या सिद्ध कर देते हैं तो नैतिक जीवन के लिए कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं होता इससे। भाई लोगों से कहा जाता भैया अच्छा कर्म करो तो अगला जन्म अच्छा होगा, यहां करो ये अच्छा करो वो अच्छा करो, सेवा करो, तुम्हारी लोक परलोक दोनों बनेगा, अगले जन्म में तमाम प्रकार के ऐश भोगोगे। अब जब जगत सत्य नहीं है तो अच्छा कर्म का कौन फायदा है, क्योंकि दोबारा तो आना नहीं। यानी जिस नैतिक जीवन पर पूरा समाज खड़ा है उसकी तो कोई व्याख्या ही नहीं हो रही है। हालांकि शंकराचार्य एक दार्शनिक थे, उन्होंने ये सारी चीजों का अलग से जवाब दिया है उनके समर्थकों ने, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगत को मिथ्या सिद्ध करके शंकराचार्य भारतीय दर्शन में एक क्रांतिकारी परिणाम पैदा करने का कार्य अवश्य करते हैं, जिनके लिए वास्तव में वेदांत दर्शन में अपना स्थान वो उच्च रूप से रखते थे। ठीक है ना। तो आज हमने अद्वैत वेदांत के संस्थापक शंकराचार्य का जगत संबंधी विचार भारतीय दर्शन में पढ़ाया। नेक्स्ट दर्शन शास्त्र के अन्य चैप्टर को एक एक मैं बताऊंगा। आईएएस की तैयारी जो दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं उनके लिए परेशानी नहीं होगी, वो बिल्कुल फुल उनको मैं इसी घर और औपचारिक लैंग्वेज में पूरा व्याख्या करूंगा। जिनको दर्शन शास्त्र में इंटरेस्ट है वो भी लेक्चर बहुत आसानी से देख सकते हैं और दर्शन शास्त्र को समझ सकते हैं। जिनके मन में दर्शन शास्त्र को लेकर प्रेम है, जो तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर तो बेस्ड आईएएस पर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिनको दर्शन शास्त्र में लगाव है, जो दर्शन शास्त्र को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी सारे लेक्चर हैं। नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।